बड़वानी जिले के विकासखंड राजपुर के ग्राम पंचायत रेउजा में हरिजन फालिया में 2011 से नवीन प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। यूं तो सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, पर 8 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल को एक निजी मकान में ही संचालित करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से स्कूल का संचालन मोना बर्डे के घर में किया जा रहा है। स्कूल के आसपास न तो पीने के पानी की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधा है। स्कूल भवन और पानी के संबंध में सरपंच को कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन ना तो कोई पानी की समस्या का हल हो पाया, ना ही स्कूल भवन का। ऐसे में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यहाँ नेता चुनाव के समय आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, वापस कोई नेता नहीं आते। हरिजन फालिया के रहवासियों ने बड़वानी में एसी कार्यालय में भी आवेदन देकर अवगत कराया है, लेकिन यहां भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रहवासियों का कहना है कि इस बार कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो बड़वानी कलेक्टर कार्यालय को घेरने की बात कही है। पल्सो से झारिया डुडवे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम भीम नरकावे है। आपके यहाँ स्कूल कब से संचालन है? स्कूल 2011 में 11 में नवीन शाला का इनका जो स्वीकृति आई थी उससे 2011 से संचालित हो रही, लेकिन अभी तक भवन निर्माण नहीं हुआ इसका। तो आप अभी किसके घर में पढ़ा रहे हूँ? हाँ, ये हमारे मोहल्ले का एक समाज सेवी है, मोना बर्डे, उनके मकान में स्कूल का संचालन हो रहा है। तो कई नेता को अवगत करवाए थे इसमें नेता आगे तक बड़वानी कार्यालय तक गए थे। हम जो रहते हैं एसी साहब, उनके पास भी जाके अवगत कराए कि हमारे मोहल्ले में स्कूल का निर्माण नहीं हो रहा, नए भवन का निर्माण नहीं हो रहा, मकान में स्कूल का संचालन हो रहा, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। और किसी के पास भी जाए तो यही बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सरपंच क्या रहा इसमें रिस्पॉन्स स्कूल के संबंध? शिक्षा विभाग में सरपंच का दायित्व बनता है कि वो इसको गांव में स्कूल का संचालन सुचारू रूप से टीचरों को बोल के करवाए। जिला अधिकारी तक के पास हम गए थे एक बार कि हमारे गांव में जो हरिजन मोहल्ला है वहां पर स्कूल का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि एक नवीन शाला और गांव में आई थी उसका भवन निर्माण 2-3 साल पहले हो चुका, लेकिन हमारे मोहल्ले में अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ अपने स्कूल में कितने बच्चे हैं अभी? हमारे यहाँ अभी 38 बच्चे का नाम दर्ज है स्कूल में। तो 38 बच्चे में से कितने बच्चे स्कूल डेली आते हैं? डेली 20 प्लस तो आते ही हैं सर। सरपंच साहब को अभी बोला था हमने जब ग्राम सभा हुई तो उन्होंने ये बोला कि टेरा पस्ता बना के आगे भेज दिया है और आपके मोहल्ले में जो है स्कूल का संचालन ये निर्माण हो जाएगा। अभी हम सब गाँव मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर धरना देंगे कलेक्टर ऑफिस में जाकर कि हमारे मोहल्ले में शिक्षा का स्तर, बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने सब खराब करके रख दिया है। सरकार तो एक दिखावा करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मेरे मोहल्ले की बात क्या की जाए, गांव में या फिर अदर क्षेत्र में भी बात करें तो शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत गिर चुका है। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि बच्चा स्कूल जाएगा, ये सीखेगा, कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा सर। चुनाव होने के बाद क्या सर, अभी तो कोई दर्शन नहीं दिए हमको, जब चुनाव हो गया सब जीत के अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के भगवानपुरा में शुक्रवार को भगवानपुरा तहसील में